दोस्तों बात अगर की जाए खाने में जायके की और गर्मी की, तो गर्मी में सबसे पहले आपको याद आता है ठंडा ठंडा और कुछ मीठा मीठा राइस। गर्मी का नाम लेते ही ना, जैसे गर्मी इतनी बढ़ गई है तो अपना नॉर्थ इंडिया का फेवरेट ड्रिंक याद आता है, दैट इज लस्सी। उसी लस्सी को ढूंढते ढूंढते आज मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली में गाइस मैंने ढूंढ ली है एक शॉप जहाँ सर्व की जाती है कुल्लड़ में लस्सी। और गाइस इनकी लस्सी ना एकदम लाजवाब होती है जैसे कि मैंने सुना है। और देते हैं यहाँ पर कचौड़ियाँ, एक्चुअली गाइस इनकी कचौड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि ना गाइस अगर खाने में बात की जाए जायके की तो बात आती है मसालों की, और कोई भी खाना संपन्न होता है उसके मसालों से। और गाइस ये दुकान बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये फेमस है अपनी कचौड़ी के लिए और अपनी लस्सी के लिए। तो चले चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनकी मेकिंग और फिर आपको बताते हैं यहाँ की लोकेशन। जा रही है अपनी ठंडी मीठी लस्सी और देख लेते हैं एक बार जल्दी से इसकी मेकिंग। ये क्या डाल दिया भैया जी, इन्हें डाल दिया इसके अंदर दही, और आप देख सकते हो भुगोना पूरा ऊपर ऊपर तक भर चुका है इसका। और एक बार में बनने वाली अपनी ये कई कूलर में जाने वाली लस्सी। गाइस आप देख सकते हो इनके पास यहाँ पे मशीन्स भी लगी हुई हैं और ये लस्सी चलेगी अपने मशीन के अंदर। अब मशीन के अंदर क्या है, इनके पास एक मटका है। गाइस अपना दही जा चुका है मटके के अंदर, आप देख सकते हो ये चला गया दूसरा जग भी एक और। तो बल्क में गाइस यहाँ पे लस्सी बनती है, आप देख सकते हो कुल्लड़ में यहाँ पे लस्सी सर्व की जाती है। ये चलेगी अपनी चीनी इसके अंदर, और जैसे कि आप देख पा रहे हो इन्होंने एक बार में ही दो इसके मग एक ही उसमें मटके में एक ही बार में डाल दिए। तो गाइस इसकी मेकिंग होने जा रही है इसके अंदर, ये लस्सी के चले गए 3 कप इसके अंदर। भैया जी ने स्टार्ट कर दिया अपनी मशीन। गाइस जा रही है अपनी क्रश बर्फ, मैंने कहा था ना आपको ठंडी मीठी लस्सी का तो मजा ही कुछ और है। गाइस ये लस्सी एकदम ठंडी होने वाली है, जैसे कि आपने देखा उसके अंदर चली गई इतनी सारी चीनी, तो अपनी लस्सी होने वाली है एकदम मीठी मीठी। और गाइस अगर मैं बात करूँ दही की क्वालिटी की, तो दही भी आप देख सकते हो एकदम गाढ़ा फ्रेश खुद जमाया हुआ दही है, कुछ भी दही ऐसा नहीं है जो इन्होंने पहले से ला कर रखा हुआ है। तो गाइस ये चले गया इसके ऊपर अपना बर्फ। गाइस जैसे कि टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ चुकी है ऐसे आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी के साथ हमारी लस्सी रेडी होके आ चुकी है। और अच्छा जी दोबारा मिल जाएगी एक बार ये। ओके गाइस आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक मदानी इसके अंदर ऑलरेडी चल रही है, मशीन में अपनी लस्सी रेडी हो रही है। और भैया जी ने इसको दोबारा निकाला और दोबारा से एक बार इसको मशीन में डाल दिया। गाइस 2 से 3 बार लस्सी को इसके अंदर रेडी किया जा रहा है और ताकि उसके अंदर कुछ दही के लम्स ना रह जाए। आप देख सकते हो दही के अंदर झाग देखकर कितनी एक्साइटमेंट हो रही होगी मुझे दही लस्सी को पीने की। और गाइस आपकी जो बर्फ इसमें हमने डाली है एकदम क्रश हो चुकी है, एकदम मेल्ट हो चुकी है, कहीं आपको नहीं पता चलेगा बर्फ आपके मुंह में नहीं आएगी। तो एकदम वो ठंडी मीठी लस्सी आपको तैयार करके पी जाएगी गाइस। और देख सकते हो आप कुल्लड़ में लस्सी अपनी जा रही है, ये लस्सी का ग्लास भैया जी वन बाय वन लगाते जा रहे हैं और रेडी होता जा रहा है अपना। लस्सी का ग्लास बना लेते हो आप एक बार में 35-40 बनता है। 35 से 40 ग्लास गाइस आप देख सकते हो इस मटके में एक बार में रेडी हो जाते हैं। और इनकी ऐसे सेल है ना यहाँ पर कि नंबर नहीं आता, इतनी लाइन लगी रहती है इस लस्सी के लिए, इतना रश रहता है गाइस इस शॉप पर। आप देख सकते हो एक ही बार में यहाँ पर इन्होंने कतार में लस्सियों की बहुत सारी लाइन लगा दी है। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लस्सी को पीने के लिए। भैया जी एक स्पेशल वाली लस्सी मलाई मार के मेरे लिए बना दीजिए। गाइस दही के ऊपर आई हुई मलाई जाने वाली है अपने लस्सी के गिलास में, और ये चलेगी अपनी मलाई। क्या बात है, मलाई मार के लस्सी मिलने वाली है गाइस। और ये गार्निशिंग के लिए चला गया उसके ऊपर रोज जाम। क्या बात है, क्या बात है गाइस, दोनों गिलास मुझे लस्सी के मिल चुके हैं। चलते हैं जल्दी से अंदर और ट्राई करते हैं अपनी लस्सी। गाइस आप देख सकते हो भैया के हाथ नहीं रुक रहे हैं, और यहाँ पर इतना रश है ना इनकी शॉप पर। और गाइस आप देख सकते हो प्लेटिंग जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, कचौड़ी की प्लेटिंग हो रही है, सब्जी इन्होंने आलू की पहले बना कर रखी हुई है और लगने जा रही है अपनी कचौड़ियाँ। गाइस आप देख सकते हो आधे घंटा इनका ये लॉट चलता है, और ये लॉट एकदम खत्म हो जाता है फिर नया लॉट बनता है सब्जी का।
मीन्स इतनी यहाँ पर सेल है गाइस, मतलब इनका हाथ नहीं रुक पाता। आप देख पा रहे हो कि जैसे कि धुआं निकल रहा है इसमें से, गर्मा गर्म आपको ये सब्जी मिलती है और साथ ही में आपकी कचौड़ी मिलती है। गाइस पैकिंग के साथ साथ यहाँ पे सर्व किया जाता है। और भैया जी एक मेरी भी प्लेट लगा दीजिए। ये भैया क्या है, ये वाली कौन सी चटनी है? मेथे की चटनी। इट्स अमेजिंग, ये खट्टी होती है, कैसी होती है? गाइस ये मेरी कचौड़ी लग चुकी है और चलते हैं अंदर टेस्ट करते हैं। गाइस ये लगकर आ चुकी है मेरी ठंडी मीठी लस्सी और इसको टेस्ट कर लेते हैं, एक बार चख लेते हैं अपनी लस्सी को। क्या बात है, अमेजिंग गाइस, इट्स रियली ऑसम इन अ टेस्ट। लस्सी की परफेक्ट डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो वो मिलने वाली आपको गाइस यहाँ। आपको मैं बता देती हूँ गाइस मेरी लोकेशन जो मैंने अभी तक शेयर नहीं की थी। गाइस मैं खड़ी हूँ इस दिल्ली में गणेश वाला की शॉप पर, जो कि मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलती है। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे आप उतरते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप आएंगे आपको मिलेगा गणेश कॉर्नर। इनके पास गाइस यहाँ पे आपको छोले भटूरे, कचौड़ियाँ, लस्सी, बहुत सारी डिशेज यहाँ पे अवेलेबल है गाइस। अभी जो मैंने अपनी लस्सी टेस्ट की है गाइस, दैट इज अमेजिंग इन अ टेस्ट। इसका कॉस्ट है गाइस 50 रुपीज़, इसका प्राइस जो रहने वाला है 50 रुपीज़ रहेगा। और इसकी अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो गाइस एकदम मीठी और चिल्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि मैं एक्सप्लोर कर रही थी, जो मैं ढूंढ रही थी। इस गर्मी के मौसम में मुझे पीना था कुछ ठंडा ठंडा। गाइस लस्सी एकदम ठंडी मीठी और गाइस इस कुल्लड़ में लस्सी पीने का मजा ही कुछ और है। जैसे कि मैंने आपको बताया ठंडी मीठी लस्सी गाइस, इसमें एकदम दही का एग्जैक्ट और प्योर टेस्ट आ रहा है, अपने प्योर नॉर्थ इंडिया के फूड की, नॉर्थ इंडिया के ड्रिंक की ये मुझे याद दिला रहा है। एकदम अमेजिंग है गाइस, ये पीने में लस्सी ठंडी मीठी और एकदम प्योर दही की बनी हुई लस्सी बहुत ही टेस्टी है टेस्ट के अंदर। गाइस अब तो बात हो गई अपने नॉर्थ इंडिया की ड्रिंक की, अब बात कर लेते हैं अपने के लिए दूसरी स्टेट की। बात करते हैं गाइस अपने राजस्थान की फेमस डिश जो कि है हमारी कचौड़ियाँ। गाइस आप देख सकते हैं ये कचौड़ी की प्लेट जो मेरी लगी हुई है, ये मेरी कचौड़ी है गाइस। कचौड़ी को मैं करने वाली हूँ ब्रेक। ये मैंने कर लिया गाइस अपने कचौड़ी का ऑपरेशन। वाह क्या बात है गाइस, आप देख सकते हो कचौड़ी खाली नहीं है, कचौड़ी के अंदर इन्होंने इसके अंदर फिलिंग की हुई है जैसे कि हमें मिलता है। और ये है गाइस इनकी आलू की सब्जी। एक बार डिप करते हैं अपनी कचौड़ी को उसके अंदर। गाइस स्वादों की अगर बात की जाए, इस कचौड़ी को टेस्ट करके मुझे अपने टिपिकल देसी फूड की याद आई गाइस। जैसे कि मैंने बताया आपको राजस्थान की होती है अपनी फेमस कचौड़ी। गाइस एकदम स्पाइसी है कचौड़ी हमारी टेस्ट में। अगर मैं बात करूँ, मैंने सब्जी को जैसे ही अपनी टंग पे रखा और मुझे सीधा जायका आया। सबसे पहले मुझे जो मिला इसका स्वाद वो था अपनी हींग का। गाइस इसके अंदर हींग डला हुआ है, जैसे कि आप जानते हो आलू की सब्जी हमारी कर जाती है बॉइल, तो गाइस इन्होंने इसके अंदर हींग का इस्तेमाल किया है जो कि आपके पेट में आपको गैस से बचा सकता है। जैसे ही मैंने आलू की सब्जी को टेस्ट किया, मुझे आया इसमें हींग का स्वाद, सौंफ का स्वाद, बहुत सारे मसालों का स्वाद जो कि होते हैं अपने खड़े मसाले। गाइस अगर मैं बात करूँ इसके तीखेपन की, तो जैसे कि आप जानते हो राजस्थान का खाना होता है तीखा, कचौड़ी उसी हिसाब से उतनी ही तीखी है। गाइस ये कचौड़ी की अगर मैं बात, इतनी ही तीखी है गाइस टेस्ट में जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और अगर बात की जाए अपनी कचौड़ी की, तो गाइस कचौड़ी अपनी खस्ता है, आप देख सकते हो इसको तोड़ने भी आपको पता लग जाएगा हमारी कचौड़ी कितनी खस्ता है। और गाइस जो इसके अंदर फिलिंग की गई है, जो इसकी पिट्ठी यूज़ हुई है, वो आप देख सकते हो दाल की पिट्ठी इसके अंदर यूज़ की गई है। दाल है, जीरा है, सौंफ है, तो काफ़ी मसालों का इस्तेमाल गाइस कचौड़ी में भी किया गया है। इसी तरीके से मसालों के स्वाद के साथ और अपनी गाइस मसालों के मिश्रण के साथ बनी हुई अपनी ये कचौड़ी एकदम लाजवाब और एकदम जायकेदार टेस्ट दे रही है गाइस। मुझे तो ये कचौड़ी खा के आ गया बहुत ही मज़ा। गाइस मैं कर लेती हूँ अपनी कचौड़ी फिनिश और अपनी लस्सी फिनिश। इसी के साथ मेरी अपनी इस दिल्ली की दौड़ यहीं खत्म होती है गाइस। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया गाइस, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। जो दोस्त आपके इस दिल्ली में रहते हैं, इस दिल्ली के पास रहते हैं, सबसे पहले आप उनको इस वीडियो पर टैग कर दीजिए, ताकि अगर अभी तक वो इस शॉप पर नहीं आए तो आए और यहाँ की कचौड़ी टेस्ट कीजिए करें।
गाइस अगर आप कचौड़ी लेते हैं एक सिंगल तो आपको मिलता है 25 रुपीज की, और ये कचौड़ी अपनी मिल गई गाइस आपको मिलने वाली है 45 रुपीज की, और ये लस्सी का गिलास अपना 50 रुपीज का। गाइस अंडर 100 रुपीज मेरा ही एक टाइम का मील रेडी हो चुका है, मैं कर लेती हूँ अपना मील फिनिश। गाइस इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड्स आपके ईस्ट दिल्ली में रहते हैं और अभी तक नहीं आए गणेश कॉर्नर पर, गाइज आए, ये स्वीट कॉर्नर भी है, यहाँ पे आपको स्वीट्स भी मिलती हैं, छोले भटूरे भी मिलते हैं, बहुत सारी डिशेज मिलती हैं। मैं अपना मील एंजॉय कर लेती हूँ, उसी के साथ मेरा यहीं का सफर यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।